अपनी शक्ति पहचानिए। हिप्नोसिस से बीमारी मुक्त जीवन पाएं, जैसे फोबिया, डिप्रेशन, वेट मैनेजमेंट, सेक्सुअल डिसफंक्शन, मोटिवेशन, रिलेशनशिप, स्टडीज, स्पोर्ट्स, पास्ट लाइफ, अनहेल्दी हैबिट्स एंड मेनी मोर। इंडियन हिप्नोसिस अकेडमी, कॉन्टैक्ट डॉक्टर JP मालिक 9871316116। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हिप्नोसिस एंड हेल्थ में। दोस्तों, मास्टर सॉल, सीक्रेट गाइड, मास्टर कॉलिंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आखिर ये है क्या? इस बारे में किसी को भी जानकारी नहीं होती है, लेकिन अब हम इस बारे में भी जान पाएंगे। और इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं इंडियन हिप्नोसिस अकेडमी के फाउंडर डॉक्टर JP मलिक जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब। जैसा कि मैंने अभी दर्शकों को बताया, मास्टर कॉलिंग, सीक्रेट गाइड एक्सेट्रा, तो ये सब आखिर होता क्या है? आपने कहा कि इसके बारे में जानते नहीं, ऐसा नहीं है, लोग जानते हैं, लेकिन ऐसा है कि अलग अलग ढंग से उसको इंटरप्रेट करते हैं जी। क्योंकि सारा मेटाफिजिकल चीज़ें हैं, क्योंकि ये फिजिकल एग्जिस्टेंस की कोई चीज़ नहीं है, दे आर ऑल बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड। तो इसके बारे में एविडेंस देना या इसको साइंटिफिक रिसर्च करना, इट इज़ ए टीडियस जॉब। हालांकि बहुत सारे लोग इसके ऊपर बहुत कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि द इंफॉर्मेशन वी रिसीव फ्रॉम सच एंटिटीज आर फ्रॉम सच सोर्सेज, दैट इज़ रियली रेलिवेंट एंड हेल्पफुल। वो हमारी वाकई में मदद करती है। तो इसको समझने के लिए हमें ये जानना चाहिए कि मास्टर होता कौन है, मास्टर किसे कहते हैं। अगर ये मान लें कि हम सोल हैं, हम एक सोल हैं जो कि ह्यूमन बॉडी को एक्सपीरियंस यहाँ पे कर रहे हैं। व्हाई हैव वी कम हियर ऑन द अर्थ? वी हैव कम हियर टू हैव सर्टेन एक्सपीरियंसेस। वो एक्सपीरियंस करके वी आर, हमारा जो एक्सपीरियंस है, वी आर एनरिचिंग आवर एक्सपीरियंसेस। विद द एनरिचमेंट ऑफ एक्सपीरियंसेस आवर सोल इज एलिवेटेड, और हमारे एक्सपीरियंस बढ़ते जाते हैं। एक स्टेज जब आता है, कहते हैं ना कि हिंदुस्तानी धर्मों में कहा जाता है कि आपका निवारण हो जाएगा, आपका मोक्ष हो जाएगा, ऐसा काम करिए। तो वो उसी बात को अगर कहें, मोक्ष का मतलब क्या है कि आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि नेसेसरी लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, वो आप पूरे कर लेते हो। देन यू आर एट ए स्टेज व्हेन यू कैन टेक डिसीजन वेदर टू कम टू द अर्थ और नॉट। उस लेवल को कहते हैं मास्टर सोल, यानी जो सोल, जो आत्मा उस लेवल पे पहुंच गया वो मास्टर सोल हो गया। यानी वो अब दोबारा जन्म ले ये ज़रूरी नहीं है। अगर वो जन्म लेगी तो इसलिए लेगी कि उसने बहुत सारे लोगों के लिए कोई कॉमन काज करना है, हेल्प करने के लिए वो आ सकती है, वरना वो खुद के एक्सपीरियंस के लिए दे डोंट नीड टू कम। इनफैक्ट उन्हें आने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे गीता का एग्जांपल दिया जाता है, भगवान कृष्ण कहते हैं, तंजजल पे जिस वक्त आता है धर्म, अधर्म आके करता है बाजार गर्म। ये अंधेर जब देख पाता हूँ मैं, तो इंसान की सूरत में आता हूँ मैं। भलों को बुरों से बचाता हूँ मैं, बुरों को जहाँ से मिटाता हूँ मैं, जड़े धर्म की फिर जमाता हूँ मैं, आया होके जुग जुग आता हूँ मैं। फिर वो कहते हैं कि जब जब जरूरत होती है, जब अधर्म फैलता है, तो मैं आता हूँ। इनफैक्ट ये देखा जाता है, इट इज़ ए मास्टर मैसेज, कि एक मास्टर सोल है, वो कहती है कि जब मैं आना चाहता हूँ, जब धर्म फैलता है, मैं तभी आता हूँ और आके आई वर्क ऑन, इसलिए काम करता हूँ कि सारा अधर्म या जो सारी बुराई है वो मिट जाए और अधिकतर लोगों का फ़ायदा हो सके। ये इनफैक्ट ये दिस इज़ द कंसेप्ट बिहाइंड मास्टर सोल, कि सोल वही है जो ग्रेजुएशन होकर सफिशेंट एक्सपीरियंस लेगी और इस स्टेज में है कि वो अपने बर्थ को कंट्रोल कर सकती है, कि जन्म लूँ या ना लूँ, लूँ तो किस बर्थ से लूँ। तो मास्टर सोल और सीक्रेट गाइड क्या सेम है? नहीं, सेम नहीं है जी। मास्टर सोल वो आत्माएं हैं जो इन्हें ग्रेजुएशन पा चुके हैं, जो एक्सपीरियंस ले चुकी हैं, लेकिन जो सीक्रेट गाइड्स हैं, दे आर ऑल लाइक अस। हम सभी क्या हैं, हम जर्नी में हैं, वी आर टेकिंग एक्सपीरियंसेस, लेकिन हमने कुछ तो एक्सपीरियंस लिया है ना। हमने जो एक्सपीरियंस लिया है, उस एक्सपीरियंस की हम दूसरे बंदे की हेल्प कर सकते हैं बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस। हमारा जो भी एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस दूसरे की मदद कर सकते हैं। देन वी कैन वर्क एज अ गाइड टू अदर सोल हु आर इन्फीरियर इन एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस में हमारे से थोड़ा सा कम है, उसका हम मदद कर सकते हैं। तो जो सेपरेट गाइड की बात करते हैं,
वो जन्म लेने वाली सोल होती हैं जिन्होंने कुछ अरसे बाद फिर जन्म लेना होता है, लेकिन जब वो जन्म नहीं ले रही होती हैं उस वक्त वो दूसरी आत्मा की हेल्प करने के लिए उसके साथ में रहती हैं, ताकि टू गाइड दैट सोल दैट पर्सन टू हैव द एक्सपीरियंस इज प्लांट बिफोर द लाइफ टाइम, जिस एक्सपीरियंस के लिए उन्होंने बर्थ लिया है उस स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर वो करने के लिए हेल्प करने के लिए दे आर विद दैट सोल, उसको मदद करने के लिए। तो जैसे कि आपने कहा कि सेपरेट गाइड हर वक्त हमारे साथ रहती हैं, यानी कि इस वक्त जैसे आपके साथ और मेरे साथ भी हमारे सेपरेट गाइड मौजूद हैं, लेकिन इस चीज़ का हमें एहसास कैसे होता है, क्या हिप्नोसिस के द्वारा इस चीज़ का एहसास लगाया जा सकता है? अगर देखा जाए क्योंकि फिजिकल चीज़ तो है नहीं, इट इज़ ऑल नॉन फिजिकल मेटाफिजिकल थिंग जी। ये आपने कहा एहसास, बिल्कुल सही वर्ड था आपने कि एहसास वाली बात की जा सकती है। हम कहेंगे सोल कहाँ है कुछ पता नहीं, इसी प्रकार सेपरेट गाइड जहाँ पे सोल है वहाँ सेपरेट गाइड है आसपास। ये माना जाता है कि हमारा जो आभा मंडल है जिसे हम ओरा कहते हैं जी, ओरा। हाँ, तो ओरा में ऐसा बिलीव किया जाता है, इट इज़ ए बिलीव कि वो उसके अंदर कहीं ना कहीं से एसोसिएटेड होती हैं हमारी सोल के साथ, हमारे साथ ही वो रहती हैं, इसलिए उनको बुलाना नॉट ए बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, आराम से दे कैन बी कॉल्ड, क्योंकि दे विल कम एंड टू हेल्प यू। कभी कभी हमें कोई इंट्यूशन आता है, जैसे एकदम कोई चीज़ आती है बाय चांस मन में कोई थॉट आता है, कभी कभी कुछ करने को दिल करता है तो हाँ हाँ, तो ये इस प्रकार का ऐसा माना जाता है कि मे बी बिकॉज ऑफ द गाइडेंस ऑफ द स्पिरिट गाइड इट इज़ हैपनिंग। ये एक सिर्फ विश्वास करने की बात है, क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है इट इज़ आल्सो वेरी इंटेलिजेंट जी। तो डॉक्टर साहब, ये स्पिरिट गाइड को आखिर बुलाया किस लिए जाते हैं? सेपरेट गाइड हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए बुलाए जा सकते हैं, जैसे कोई डिसीजन मेकिंग में कोई प्रॉब्लम है जी। या लाइफ के किसी काम में किसी प्रॉब्लम में, हेल्थ में या किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है एंड वी आर फेसिंग डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द रूट काज एंड द पॉसिबल सोल्यूशन, तो उस वक्त यू कैन कॉल सेपरेट गाइड टू हेल्प अस टू प्रोवाइड इनपुट्स, तो वो इनपुट्स दे के इन्फॉर्मेशन हमें देंगे, उस इन्फॉर्मेशन को वी कैन यूज़ दैट फॉर टेकिंग डिसीजंस, डिसीजन लेने में हम मदद के लिए उनको बुला सकते हैं जी। तो डॉक्टर साहब, उनको बुलाने के बाद फिर उन्हें वापस किस तरह से भेजा जाता है? जिस प्रक्रिया से बुलाए जाते हैं उसी प्रक्रिया से उनको फिर वापस भेजने का भी प्रक्रिया है, अदरवाइज आल्सो दे आर ऑलवेज विद यू जी। और अगर किसी कारणवश अगर वो सेपरेट गाइड वापस ना जाए तो क्या वो घातक सिद्ध हो सकता है या किसी तरह से नुकसानदेह या कुछ उसका स्पेशल इफेक्ट हो सकते हैं? स्पिरिट गाइड वापस ना जाए ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो तो पहले आपके साथ हैं, आप उनको बुलाते हो तो वो आ जाते हैं, जब भेजते हैं तो चले जाते हैं, अगर नहीं भी जाते हैं दे आर इन योर ओरा, वैसे भी आपके साथ ही हैं जी। बट व्हेन यू रिक्वेस्ट देम दे यूजुअली गो बिकॉज दे हैव कम टू हेल्प यू जी। डॉक्टर साहब, अब अंत में मैं बहुत ही शॉर्ट में जानना चाहूँगी कि क्या इसी को भूत प्रेत कहते हैं? नहीं नहीं, इसको भूत नहीं कहते, भूत प्रेत तो एक देखा जाए तो एक डिसोसिएशन होता है, ये मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जी। कभी कभी उसमें भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि विच आर बियॉन्ड द एक्सपीरियंस, उस पर भी काफ़ी रिसर्च चल रही है जी। लेकिन ये भूत नहीं है जी। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, आपने सेपरेट गाइड मास्टर सोल के बारे में हमें जो महत्वपूर्ण जानकारी दी और जो दर्शकों के मस्तिष्क में इसके बारे में गलत धारणा बनी हुई थी उसे आपने बदलने की कोशिश की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अगर आपने अपने मस्तिष्क में ये गलत धारणा बनाई हुई है कि मास्टर सोल ये भूत प्रेत है तो आप ये भूल जाइए, क्योंकि डॉक्टर साहब ने अभी ऐसा बताया कि वो आपको गाइडेंस करने वाली आपकी अपनी आत्मा है जिसका एहसास आप हिप्नोसिस के द्वारा कर सकते हैं। हिप्नोसिस के बारे में अभी और भी बहुत सी जानकारी लेना बाकी है, लेकिन वो जानकारी लेंगे हम अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।